हेलो एवरीवन, CUET PG के अंतर्गत कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के रिलेटेड यहाँ पर हम बात करेंगे। जिन स्टूडेंट का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ हो, यहाँ पर ये लास्ट तक वीडियो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे आपको लॉट्स ऑफ डिस्कशन मिलेंगे रिगार्डिंग एडमिशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी अभी जो ओपन हुई है, इसका एडमिशन आपके चल रहा है। और यहाँ पर आप अगर आप CUET PG क्वालिफाइड है जो भी कैंडिडेट, वो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है आपके 10 जुलाई तक। ठीक है, तो 10 जुलाई तक यहाँ पर आपके लास्ट डेट है, आप ज़रूर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, CUET PG के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट के हों वो यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो, और यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के 4th राउंड का भी एडमिशन का नोटिस आपके जारी हुआ है, तो आप ज़रूर से एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के वेबसाइट को विज़िट करिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके BHU का 2nd राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो हो चुका है। अब हम 3rd अलॉटमेंट के आगे नज़र डालेंगे, और यहाँ पर आपके कुछ सीट अभी भी वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपके जो है 3rd राउंड अलॉटमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो जब जो भी अपडेट आएगी हम इन्फॉर्म करेंगे। आप इन दो यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, और भी किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट आता है तो हम इसी चैनल पर इन्फॉर्म करेंगे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।